प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है बीसी टीडी और आईडी जो आपका फर्स्ट ईयर कॉमन होता है उसके अंदर यूनिट फोर का पार्ट है। इसके अंदर अपन देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है और क्या क्या इसमें सॉफ्टवेयर होता है और यह सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म करता है उसके बारे में देखते हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक पैकेज होता है, मीन्स उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जिसके द्वारा अपन डॉक्यूमेंट को क्विकली बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने का मतलब है उसको अपने कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में सेव करना। एक डॉक्यूमेंट को बनाने का मतलब होता है कि उसको कीबोर्ड से टाइप करना, उसमें स्पेलिंग चेक करना, उसकी ग्रामर को ठीक करना, शब्दों को मिटाना, उनमें चेंजेस करना, उनको ऐड करना, नए शब्द और जोड़ना, वाक्यों या पैराग्राफ को जोड़ना, उनकी फॉर्मेटिंग करना, ये सारा इसमें अपन वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जो एग्जांपल्स है कि इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं वो है, इसके द्वारा अपन रेज्यूम बना सकते हैं, सिंपली रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ रिपोर्ट, जैसे आपके ट्रेनिंग रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जब आप डिप्लोमा करके बाहर जाएंगे तो उसके बाद आपकी अन्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, आपके जैसे कुछ आप प्रपोजल बना के देते हैं, कहीं कुछ आप रिक्वायरमेंट बना के देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स काम में आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो टूल्स काम में आते हैं पॉपुलर टूल्स वो है वर्ड, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया हुआ है। वर्ड एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। उसके बाद है वर्ड परफेक्ट जिसको कोरल कॉरपोरेशन ने बनाया है, ये दोनों कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं, इनको यूज करने के लिए अपन को परचेज करना पड़ता है लाइसेंस। थर्ड जो टूल है वो है राइटर जो ओपन ऑफिस का भाग है। ओपन ऑफिस एक ओपन सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको अपन बिना लाइसेंस या बिना परचेज किए यूज कर सकते हैं। एक टूल आता है पेजेस, वो एप्पल के एप्लीकेशन है और एप्पल के डिवाइसेस पर ही वो रन होता है। वर्डपैड एक टूल होता है जो अपने विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं उनके साथ बाय डिफॉल्ट आता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती है। इसके द्वारा भी अपन वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो वर्ड प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है उसके अंदर कुछ टूल्स है वो अधिकतम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ टूल होते हैं वो उसमें कुछ कम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वर्डपैड एक बेसिक टूल है जिसके द्वारा लिमिटेड अपन वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर होता क्या है, क्या क्या अपन उसमें कर सकते हैं। तो अपन जो टाइपिंग कर रहे हैं उसमें बदलाव ला सकते हैं कि अपन ने जो भी किया है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें अपन बदलाव आसानी से ला सकते हैं। नए शब्द इसमें और वाक्य इसमें जोड़े हटाए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। पैराग्राफ या टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मार्जिन और पेज की लंबाई आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित की जा सकती है। स्पेलिंग ग्रामर की जांच की जा सकती है। त्रुटियों का निदान स्पेलिंग चेक द्वारा किया जा सकता है। बहुत से डॉक्यूमेंट को मिला के एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी बनाया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर मेल मर्ज की सुविधा होती है जिसके द्वारा अपन जो लेटर अपन पोस्ट करते हैं अलग अलग एड्रेस या अलग अलग नामों से, वो अपन एक ही डॉक्यूमेंट से अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। इनके अलावा भी जो अपना वर्ड प्रोसेसिंग टूल होते हैं वो फाइंड एंड रिप्लेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अपन कोई भी शब्द फाइंड कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर किसी वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर वर्ड से। इसके द्वारा अपन नई टेबलें जोड़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, टेबुलर लेआउट भी अपन ले सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के टूल के द्वारा अपन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नए पिक्चर्स या कोई भी मल्टीमीडिया उसमें इंसर्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब है उसकी साइज बढ़ाना, उसको बोल्ड करना, उसको इटैलिक करना, उसको अंडरलाइन करना, किसी की साइज बड़ी देना, किसी की छोटी देना, अलग अलग फॉन्ट अपन यूज कर सकते हैं, लाइनों के बीच में अपन कितना स्पेस दे सकते हैं, कितनी उनकी जगह चाहिए बीच में, लाइन हाइट जो बोलते हैं वो अपन इसके द्वारा स्पेसिफाई कर सकते हैं। अलग अनेक प्रकार की लिस्टें होती है, बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वो सारी अपन इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसे टूल्स होते हैं जिसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर जो जो अपन को फैसिलिटीज चाहिए वो सारी ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं अपन की जो डॉक्यूमेंट्स अपन बनाते हैं इनको कैसे प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाया है उसको प्रिंट करना प्रिंटर के द्वारा। तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट होता है, और बिना शॉर्टकट के भी अपने फाइल में प्रिंट का ऑप्शन आता है फाइल मेनू के अंदर, जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में प्रिंट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके भी अपन प्रिंटिंग कर सकते हैं। जब अपन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो मल्टीपल पेजेस का होता है, हो सकता है उसके अंदर 10 पेजेस हो, 20 पेजेस हो, 100 पेजेस हो, ऐसा लिमिटेशन नहीं है, कितने भी पेजेस हो सकते हैं। तो आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं उसकी कितनी कॉपीज चाहिए, सबसे पहले आपको कॉपीज बताई जाती है, ऑप्शन होता है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक कॉपी चाहिए, दो कॉपी चाहिए, तीन कॉपी चाहिए, उसकी कितने प्रिंट करने हैं। उसके नीचे आता है प्रिंटर सिलेक्शन, अगर अपना जो डिवाइस है आपका जो सिस्टम है उससे मल्टीपल प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप किस प्रिंटर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किस प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रिंटर अलग अलग तरह के होते हैं, कोई कलर प्रिंटर होता है, कोई नॉर्मल लेजर प्रिंटर नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करता है, कोई प्रिंटर होते हैं जो बड़े बड़े पेजेस प्रिंट करते हैं, कुछ पेजेस होते हैं वो वन साइड प्रिंट करते हैं, कुछ प्रिंटर होते हैं जो टू साइडेड या दोनों साइड पेज के आगे पीछे प्रिंट करते हैं। तो ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज होती है, तो आप किस प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं उसका आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे आता है सेटिंग, प्रिंट ऑल पेजेस जैसे लिखा हुआ है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे नहीं करना चाहता हूं तो आप यहाँ पे पेजेस जो लिखा हुआ है उसके आगे ये टेक्स्ट बॉक्स है इसमें रेंज दे सकते हैं, जैसे 1 to 1-5 पेज नंबर 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएंगे, पेज नंबर 1-10 दिया मतलब 1 से 10 तक उसमें पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप रेंज देने के बाद में कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं पेजेस तो कोमा लगा के उन पेज के नंबर आप डाल सकते हैं। प्रिंट ऑल पेज की जगह एक ऑप्शन आता है प्रिंट करंट पेज, जो पेज अभी राइट साइड में ओपन दिख रहा है उसको ही प्रिंट करता है। फिर सेकंड जो सेटिंग है देयर इज पेजेस, उसके अंदर है प्रिंट वन साइडेड, और एक इसमें ऑप्शन और आता है प्रिंट बोथ साइडेड। प्रिंट वन साइडेड का मतलब एक साइड में प्रिंट करेगा, एक साइड उसका ब्लैंक रहेगा। प्रिंट बोथ साइडेड के अंदर आगे और पीछे पेज के दोनों साइड में प्रिंटिंग होती है। कोलेटेड, कोलेटेड एक अच्छा फीचर है, इसके अंदर क्या होता है जैसे लिखा हुआ अभी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर आपके अंदर जैसे कुछ पेजेस हैं 10 पेजेस हैं तो 1 से लेकर 10 पेज तक एक बार प्रिंट होंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक वापस प्रिंट होंगे, 1 से 10 तक वापस प्रिंट होंगे, ये तो होता है कोलेटेड जो अभी सेलेक्टेड है। इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है कि आप पहले पेज नंबर 1 की 10 कॉपियां निकाल लें, फिर 2 की 10 कॉपियां निकालें, पेज नंबर 3 की 10 कॉपियां निकालें, 4 की 10 कॉपियां निकालें, फिर इनके अलग अलग आप वापस सेट बनाएं, तो वो इसमें एक ऑप्शन और आता है कोलेटेड के नीचे, एक और ऑप्शन आता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये जो पेज ओरिएंटेशन है दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है पेज है वो खड़ा रहता है, और लैंडस्केप का मतलब वो आड़ा रहता है। नेक्स्ट है इसमें पेज साइज सिलेक्शन, कि आप जो प्रिंट कर रहे हैं उसकी पेज साइज क्या होती है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज आती है जो अपन आगे की स्लाइड में देखते हैं कि प्रिंट के जो पेजेस हैं उनकी क्या क्या साइज आती है। नेक्स्ट इज मार्जिन, तो प्रिंट को जब प्रिंट करते हैं अपन पेज को रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट को, तो उसमें अपन जो डॉक्यूमेंट है उसके पेज के साइड में चारों जो दिशाओं में कितना मार्जिन छोड़ना है वो यहाँ से अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन के अंदर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 1-1 इंच का मार्जिन दे सकते हैं। लास्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है वन पेज पर शीट, इसके अंदर कि एक जो आपका पेज है उसके ऊपर कितने पेजेस प्रिंट होने चाहिए, एक साथ 2 पेज प्रिंट कर सकते हो, एक साथ 4 प्रिंट कर सकते हो, एक साथ 6 प्रिंट कर सकते हो, एक साथ आप 8 प्रिंट कर सकते हो, इस तरीके से 16 प्रिंट कर सकते हैं। तो आप एक पेज पे कितने करना चाहते हैं, अगर ज्यादा पेज आप प्रिंट करेंगे तो उनकी साइज छोटी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, तो वो अपना लुक है कि अपने को कितने उस पर लेने। अगर आपके पेजेस के कंटेंट बहुत कम है बड़ी साइज के, तो उनको आप वहां पे
2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 16 पेज ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन एक वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसके जो जो ऑप्शंस हैं वो आपको बताए गए हैं। फिर जो मैंने बताया कि जो प्रिंट करते हैं उसमें जो मार्जिन देते हैं उसके क्या क्या ऑप्शंस उसमें आते हैं, तो सबसे पहले जो उसमें ऑप्शन रहता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 1 इंच हर साइड से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों दिशाओं से 1-1 इंच का मार्जिन होता है, 2.54 सेंटीमीटर का मार्जिन चारों दिशाओं से छोड़ा जाता है, उसको नॉर्मल बोला जाता है। नैरो, नैरो का मतलब होता है छोटा सकड़ा, इसके अंदर चारों दिशाओं से 1.21 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा जाता है। मॉडरेट के अंदर टॉप और बॉटम से 1 इंच और लेफ्ट और राइट से 0.5 इंच का स्पेस छोड़ा जाता है। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, चौड़े के अंदर टॉप और बॉटम से 1 इंच और लेफ्ट और राइट से 2-2 इंच का स्पेस छोड़ा जाता है। मिररड का मतलब थोड़ा सा ये इनसाइड और आउटसाइड लुक करके, मिररड जो अपन कांच से देखते हैं तिरछा वैसा दिखता है, इसके अंदर टॉप और बॉटम में इसमें 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच लेते हैं और इनसाइड उसमें 3.18 सेंटीमीटर और आउटसाइड से 2.54 सेंटीमीटर स्पेस लेता है, वो छोड़ता है प्रिंट करने से पहले। कस्टम के अंदर अपन यूजर जो है प्रिंट करने से पहले खुद स्पेसिफाई कर सकता है कि मुझे किस साइड में चारों दिशाओं में कितना कितना स्पेस छोड़ना है। तो ये प्रिंट जब आप करते हैं तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे लेफ्ट साइड में ज्यादा छोड़ना है, राइट साइड में ज्यादा छोड़ना है, या चारों दिशाओं में कम कम ही छोड़ना है, तो आप अप्रोप्रियर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शंस ले सकते हैं। अब देखते हैं जो जिस पेज पे अपन प्रिंट कर रहे हैं वो पेजेस जो पॉपुलर हैं उनकी क्या क्या साइज होती है। A4 पेज जो है वो रेगुलर साइज होती है जिसको प्रिंटिंग में बहुत काम में लिया जाता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 21 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो हाइट है वो 29 सेंटीमीटर होती है। A3 जो पेपर होता है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर इसकी जो चौड़ाई है वो 29.5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो हाइट होती है वो 42 सेंटीमीटर होती है। A5 पेपर की साइज कम होती है और इसका जो ज्यादा यूज होता है वो रिसिप्ट निकालने की, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं उसमें जो बिलिंग रिसिप्ट बनती है वो ज्यादा पेज की नहीं बनती, मेडिकल शॉप्स पे जाते हैं उनके जो रिसिप्ट बनती है वो A5 साइज की बनती है। इसकी साइज छोटी होती है, 14.8 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और 21 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। एक और पॉपुलर पेज जो इस साइज है इसमें लीगल, लीगल के अंदर 21.59 तो उसकी चौड़ाई होती है और उसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, 35.56 सेंटीमीटर। तो आज अपन ने देखा है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, उनको कैसे प्रिंट करते हैं और प्रिंटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।